Dear friends, today we will study nomenclature and taxonomical aids, which is second video of the living world. जो first chapter है आपका 11th का living world, उसका first part हम लोग cover कर चुके हैं and second part ये second video है nomenclature and taxonomical aids. Then what is nomenclature? नाम किसी भी चीज़ का जो भी है, प्लांट एनिमल जो भी है, स्पीसीज हैं, तो वो जो भी है उसका नामिक नामकरण जो होता है दैट इज कॉल्ड नोमेक्लेचर. तो पहले की नेसेसिटी ऑफ साइंटिफिक नेम या नोमेक्लेचर जो है क्या जरूरत पड़ गई. अपने ही देश में जैसे हम लोग आम को यहाँ पर आम ही बोलते हैं, कहीं पर और कुछ बोला जाता होगा, देसी कुछ और होता है, दूसरे देश में कुछ और होता है, इसलिए एक ज़रूरत हुआ कि पूरी दुनिया में एक ही नाम हो जिससे लोग समझ सकें उस चीज़ को और कन्फ्यूजन नहीं हो. इसलिए साइंटिफिक नेम का ज़रूरत पड़ा और उसी को साइंटिफिक नेम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको नोमेक्लेचर बोलते हैं. और इस साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. कोई भी साइंटिफिक नेम है उसका जो है दो कंपोनेंट होता है. दो कंपोनेंट होता है, एक जो है जैसे एक को जीनस बोलते हैं और दूसरे को स्पीसीज बोलते हैं. जैसे मैंगो है, मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका. ये मैंगो का साइंटिफिक नेम हुआ मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका. तो मैंगीफेरा जो है ये हो गया जीनस एंड इंडिका जो हो गया स्पीसीज. तो ये दो, उसमें नाम का दो पार्ट होता है इसलिए दो कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको जो है हम लोग बाइनोमियल नोमेक्लेचर बोलते हैं. क्योंकि कोई भी नाम जो है साइंटिफिक नेम है उसमें दो पार्ट होता है, उसको बाइनोमियल नोमेक्लेचर बोलते हैं. और इसमें जो एक एक पार्ट जो है, जैसे मैंगीफेरा ये एक टैक्सॉन, ये जीनस जो है ये टैक्सॉन हुआ और स्पीसीज भी है, उसको टैक्सॉन बोला जाता है. टोटल 7 टैक्सॉन होंगे इसमें, ये बताएंगे. बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब जो टोटल 7 जो होते हैं ये टैक्सॉन बोला जाता है. और मैं जैसे मैंगीफेरा इंडिका हुआ तो उसके आगे लिन, ये लिनियस, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसका नामकरण किया, वो है कैरलस लिनियस. तो उनके नाम का यहाँ पर जोड़ दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म. और ये कोड इसका मिलता है, किसी का भी नोमेंक्लेचर करना है, साइंटिफिक नेम देना है तो उसका एक कोड दिया जाता है, वो इंटरनेशनल कोड फॉर ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेक्लेचर. एंड उसी तरह हो गया ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेक्लेचर. तो एक कोड होता है, उसके तहत आपको जो कोई नया प्लांट, नया कुछ मिला ऑर्गेनिज्म तो उसका नोमेक्लेचर करेंगे तो वहाँ से कोड मिलेगा, ताकि वो डुप्लीकेशन नहीं हो जाए. उस तरह का पहले से कोई कोड वहाँ पर हो तो वो फिर गलत हो जाएगा. तो इस तरह से ये देख लीजिए, 7 टोटल 7 जो है ये टैक्सा, इसको बोलते हैं जीनस, स्पीसीज देखिए 1, 2, 3, ऑर्डर, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये बायोलॉजिकल नेम. टोटल जो है 7 है इसमें, जिसको आप इसको टैक्सॉन बोलते हैं. इसका प्लूरल जो है टैक्सा है. इसको कैसे याद करेंगे उसका टेक्निक बाद में बताएंगे इसमें. अब देखिए हम लोग कुछ कॉमन नेम है, जैसे मैंगो का अभी हम लोग पढ़ लिया, मैंगीफेरा इंडिका. इसका जो है मैंगीफेरा जीनस है, मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका जो है उसका स्पीसीज है. और यहाँ पर जो है ये एनाकार्डिएसी, इसके फैमिली है, इसका फैमिली है एनाकार्डिएसी, जिसके अंदर ये आता है. और ये जिसके अंदर आता है ऑर्डर है वो सेपिनडेल्स है. और ये ऑर्डर जिस क्लास के अंडर आता है उसको डाइकोटिलिडोनी बोलेंगे. और ये किसके अंदर आएगा, ये प्लांट डिवीजन है, प्लांट एंजियोस्पर्मी में आएगा. और एंजियोस्पर्मी किस में आएगा, ये प्लांटी में आएगा. तो ये किंगडम है, ये सब किंगडम का नाम है. तो इस तरह से हो गया कि प्लांटी किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्मी जो है डिवीजन हुआ, और उसके अंदर ये क्लास हुआ डाइकोटिलिडनी, और उस क्लास के अंदर जो है ये सेपिनडेल्स ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर के अंदर एनाकार्डिएसी फैमिली हुआ, और उस फैमिली के अंदर मैंगीफेरा जीनस हुआ, और उसके अंदर इंडिका जो है ये स्पीसीज हो गया. तो
उसी तरह दूसरे सब सबका भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, जैसे व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम हुआ, यहाँ इसका सारा लिखा हुआ, ट्रिटिकम जीनस हुआ, पोएसी फैमिली हुआ एंड पोएस जो ऑर्डर हुआ, और ये मोनोकोट, मोनोकोट में इसमें आता है, व्हीट जो है मोनोकोट में आता है, लेकिन ये जो है एनजियो फाइलम जो है इसका डिवीजन जो है एनजियो स्पर्मी ही है और प्लांटी में आता है। प्लांट वाले जो है प्लांटी में आएंगे और जो एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया, एनिमेलिया, इसलिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बोलते हैं। अब एनिमल एनिमल किंगडम में देख लीजिए, हम लोग मनुष्य का ही, हम लोग मैन है, मैन का होमो सेपियंस होता है, होमो हो गया इसका जीनस और स्पीसीज हो गया सेपियंस, होमो होमोनिडी इसका जो है फैमिली है, होमो से होमोनिडी हो गया और प्राइमेटा हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, और ये हम लोग ये सब मेमेलिया क्लास के अंदर आएंगे, और कॉर्डेटा जो है फाइलम हो गया जो एनिमेलिया के अंदर आएगा। इसी के अंदर आपको ये सभी है, यहाँ तक सेम है आपका, देखेंगे एनिमेलिया के अंदर ही कॉर्डेटा फाइलम और मेमेलिया में ही कार्निबोरा एक ऑर्डर हो गया, अलग हो गया, जिसके अंदर फेलिडी हो गया फैमिली और इसके अंदर पैंथेरा हो गया जीनस, जीनस इसी के अंदर आपको लायन टाइगर और लियोपार्ड आएगा, पैंथेरा के ही अंदर, पैंथेरा जीनस के अंदर आएगा ये लियो टाइग्रिस, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, लियो लायन का पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो एंड लियोपार्ड का पैंथेरा पार्डस। उसी तरह मक्खी जो है हम लोग के घर में जो रहती है हाउस फ्लाई, तो इसलिए इसका मस्का डोमेस्टिका नाम है, डोमेस्टिक मतलब घर में रहती है, इसलिए मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस हो गया और ये डोमेस्टिका स्पीसीज हो गया, मस्सीडी हो गया इसका फैमिली एंड ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, जो इंसेक्टा के अंदर, इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है, सभी इंसेक्ट में आते हैं, और इसका आगे जो है डिविजन जो है फाइलम हो गया वो आर्थ्रोपोडा, और ये भी आपको एनिमेलिया में आता है। तो ये जो सेवन है उसको कैसे याद करना है, टैक्सा का उसको याद करने में दिक्कत है कि पहले फाइलम होगा, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, ये इस तरह से अगर इधर से पढ़ेंगे, किंगडम तो आसान है याद, बड़ा बड़ा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये याद रहेगा आप लोग को, लेकिन ये फाइलम जो है कौन सा फाइलम है ये सब डिफिकल्ट होता है। तो फाइलम क्लास ऑर्डर ऐसे इसका सिक्वेंस है, फाइलम क्लास ऑर्डर और उसके अंदर फैमिली है और जीनस एंड स्पीसीज है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला बनाए हैं जिसका नाम दिए पीसीओ। पीसीओ आप देखते होंगे पहले पब्लिक कॉल ऑफिस होता था, टेलीफोन बूथ होता था, तो पीसीओ बूथ हुआ, तो पीसीओ फैमिली आप याद रखिएगा, पीसीओ फैमिली से क्या हो गया फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर और फैमिली से फैमिली हो गया, उसके बाद दो ही बचा जीनस एंड स्पीसीज, वो आपको याद होगा आसानी से। तो ये एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड क्या है, जो ये इस तरह की स्टडी जो करते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह जीनस स्पीसीज उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और उसमें हेल्प करता है जो चीज़ उसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, हर्बेरियम और ये टैक्सोनॉमिकल कीज, ये सारे जो हैं ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हम लोग को मदद करते हैं उस काम में, स्टडी में, साइंटिफिक स्टडी में मदद करते हैं। टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेन, जो सूचना है इन्फॉर्मेशन उसको प्रिजर्व करते हैं, इन्फॉर्मेशन और स्पेसिमेन को, स्पेसिमेन जो भी प्लांट और एनिमल का जो उसका जो है नमूना जो है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन सबसे पहले हम लोग देखें ये क्या है, लिविंग है, इसमें लिविंग स्पेसिमेन रहेगा प्लांट का, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है हम लोग का, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में और वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। और दूसरा हो गया ये जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स में जूलॉजिकल पार्क, जिसको शॉर्ट में जू बोलते हैं, चिड़ियाघर बोलते हैं, ये इसमें ये भी क्या है, लिविंग है, इसमें लिविंग जो है एनिमल्स रहते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ये इसमें वाइल्ड एनिमल्स को वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ये नहीं बच्चे लोग खेलते हैं हम लोग खुश होते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, नहीं होता है, ये होता है टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, उसके फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये जूलॉजिकल पार्क्स बनाए गए हैं। ये इसका साइड में है कि बच्चे लोग जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं, खेलते देखते हैं, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये है उसका फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। उसका म्यूजियम है, म्यूजियम में ये डेड स्पेसिमिन होता है, प्लांट और एनिमल दोनों का होगा लेकिन डेड होगा,
तो डेड होगा तो उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, या तो ड्राई सुखा के रखते हैं या किसी प्रिजर्वेटिव में रखते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। उसके बाद है हर्बेरियम। हर्बेरियम ये भी है डेड प्लांट स्पेसिमेन है। हर्ब से पता है हर्बेरियम, हर्ब हर्ब श्रब ट्री होता है, तो उसका हर्ब मतलब प्लांट का पोर्शन है और ये डेड प्लांट स्पेसिमेन होता है। उसके बाद एक टैक्सोनॉमिकल कीज जो है ये भी होता है, स्टोर किया जाता है उसमें, ये भी प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए है और ये डेड मटेरियल होता है, डेड स्पेसिमेन है। लेकिन इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखा जाता है, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर वाले चीज़ को एक साथ रखते हैं स्टडी के लिए, इसलिए इसको टैक्सोनॉमिकल कीज बोलते हैं। तो ये हो गया सारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जो पांच थे, और इधर क्लासिफिकेशन के बारे में है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोग को उसमें कमेंट कीजिएगा, और अब तक जो हम लोग से नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।